So, hello everyone, I Shivankar Mehta from IIT ISM Dhanbad welcome you all on YouTube channel Integrative Learning. So, आज इस वीडियो में हम जैस्पर को कवर कर रहे होंगे, IIT ISM Dhanbad के एक हॉस्टल को कवर कर रहे होंगे इस वीडियो में. इस वीडियो में जैस्पर के हॉस्टल के हर एक पार्ट को हम कवर करने जा रहे हैं. जैस्पर हॉस्टल में पहले जब कोविड नहीं था तो फर्स्ट ईयर राइट्स को एकोमोडेशन प्रोवाइड करी जाती थी, लेकिन कोविड की वजह से क्योंकि वो कैंपस में नहीं है और सेकेंड ईयर राइट्स को एकोमोडेशन प्रोवाइड करना था, तो अभी सिंगल रूम अकोमोडेशन प्रोवाइड करी गई है सेकेंड ईयर राइट्स को. तो आज इस वीडियो में जैस्पर को पूरी तरह से हम कवर कर रहे होंगे. तो चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं. तो मेरे पीछे जैसा कि तुम देख पा रहे हो, ये जैस्पर का मेन बिल्डिंग है. जैसा कि ITISM धनबाद पूरा भरा हुआ है पेड़ पौधों से, ग्रीन लश से, उसी तरह जैस्पर के बाहर के जो पेड़ पौधे हैं वो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं. ये जैस्पर के बाहर का व्यू है. सो दिस इज द मेन एंट्रेंस गेट ऑफ द जैस्पर थ्रू विच द स्टूडेंट्स एंटर्ड इनटू द जैस्पर. तो जैसा कि देख पा रहे होगे यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है, इसमें इन्होंने बताया है कि जैस्पर के अंदर चार ब्लॉक से ए बी सी एंड डी, और हर फ्लोर पे जो हर ब्लॉक है उसके सिंगल फ्लोर पे 55 रूम्स हैं. तो इस लिस्ट में तुम रूम्स देख पा रहे हो. ये अब जैस्पर के बिल्डिंग के अंदर जाने का गेट है. इसके बाहर जाने के लिए हमें एंट्री करनी होती है. यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं जो कि ये देखते हैं कि बच्चे हॉस्टल के बाहर जा रहे हैं तो एंट्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. जो फिक्स टाइमिंग है 11 बजे का, उससे पहले हॉस्टल के अंदर एंट्री हो रही है या नहीं हो रही है. उसके बाद जैसे ही हम घुसते हैं, सामने वार्डन और चीफ वार्डन सर का ऑफिस होता है, रिसेप्शन होता है, जहाँ हमेशा गार्ड रहते हैं जो कि सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं. तो ग्राउंड फ्लोर से कनेक्ट करती हुई जो लेन है वो बैडमिंटन कोर्ट की तरफ ले आती है. हर ब्लॉक में एक एक बैडमिंटन कोर्ट प्रोवाइड करी गई है जिसमें हम बैडमिंटन खेलते हैं. ऑल्दो ये है कि हम इसमें क्रिकेट भी खेल लेते हैं, लेकिन ये स्पेशली बैडमिंटन के लिए बनाई गई. तो चलो अब ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की ओर चलते हैं बायो जिले. तो हर ब्लॉक के लिए अलग अलग लिफ्ट है और कनेक्टर पे भी एक लिफ्ट प्रोवाइड करी गई है. हाँ, ऐसा है कि सारे लिफ्ट प्रॉपरली काम नहीं करते हैं, बट क्योंकि सारे ब्लॉक्स कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो किसी भी लिफ्ट का यूज करके तुम ऊपर नीचे आ सकते हो. डबल एकोमोडेशन के रूम्स हैं. अभी सिंगल एकोमोडेशन प्रोवाइड करी गई है कोविड की वजह से, तो ये दो बेड प्रोवाइड करी जाती है. ये स्टडी टेबल टाइप जो बना हुआ है वो प्रोवाइड करा जाता है. स्टेयर है, बल्ब है, लाइटनिंग की काफ़ी अच्छी सुविधा है, और ये जो खिड़की है वो कोर्ट के तरफ है. इसके अलावा सॉकेट्स प्रोवाइड करी जाती है, दो सॉकेट्स लैन के लिए, लैन कनेक्टिविटी के लिए लैन केबल प्रोवाइड करी जाती है, और बाकी एक कपबोर्ड प्रोवाइड किया जाता है जिसमें काफ़ी सही स्पेस है, जिसमें हम कपड़े, बैग्स, बहुत सारी चीज़ें अट जाती है. तो सिंगल एकोमोडेशन के हिसाब से तो काफ़ी सही रूम है, डबल के लिए भी रहने लायक रूम प्रोवाइड करा जाता है जैस्पर के अंदर.
तो ये वाटर कूलर प्रोवाइड करा जाता है, उसके अलावा जो बेसिन है उसके पास आईना प्रोवाइड करी जाती है, और काफ़ी सफाई, डेली सफाई होती है, तो सफाई के मामले में भी काफ़ी सही है। बाथरूम का जो फैसिलिटी है वो भी काफ़ी सही है, गीज़र प्रोवाइड करा जाता है हर बाथरूम में, तो इस हिसाब से काफ़ी सही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाती है जैस्पर के अंदर।